Assalamu alaikum and good morning class 6th. I hope you are fine. Welcome to your science class and I'm your science teacher Ms. Nida Zamud. Students, we were discussing lesson number 4, habitats and food chain. In our previous lectures, I told you that how animals depend on plants and in which ways plants depend on animals. So today we will start our next topic, that is animals and plants in a habitat are suited to their environment. Open page number 78. Topic for discussion is animals and plants in a habitat are suited to their environment. Now what is a habitat? Habitat वो जगह होती है students जहाँ पर कोई भी animal या plant रहता है. कोई भी living thing जिस जगह पर रहती है वो जगह उसका habitat कहलाती है. ठीक है, अब एक अपने particular habitat के अंदर animals और plants जो होते हैं वो अपने habitat या अपने environment के according, like आप कह सकते हैं कि suitable characteristics उनके अंदर होते हैं, तभी तो वो उस माहौल में सर्वाइव कर सकते हैं ना. जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर है और कैमल है. अ कैमल कैन सर्वाइव इन अ डेजर्ट बट अ टाइगर कैन नॉट. ठीक है, टाइगर डेजर्ट में सर्वाइव नहीं कर सकता, कैमल कर सकता है. व्हाई? आप लोगों ने क्लास 5th में भी पढ़ा था, बिकॉज कैमल के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उसे डेजर्ट में सर्वाइव करने के काबिल बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कैमल्स हैव हम्प ऑन देयर बैक. उनकी बैक के ऊपर एक हम्प होता है जिसके अंदर दे कैन स्टोर फूड एंड वाटर फॉर सेवरल डेज. और आपको पता है डेजर्ट में पानी की बहुत कमी होती है. सो कैमल्स क्या करते हैं, अपनी हम्प के अंदर फूड और वाटर स्टोर कर लेते हैं. इन दिस वे दे कैन सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर सेवरल डेज इन डेजर्ट. जबकि टाइगर के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं होता, सो दे कैन नॉट सर्वाइव. हर एनिमल और प्लांट अपने माहौल में ही सर्वाइव कर सकता है, और उस माहौल में सर्वाइव करने के लिए उनके पास, उनको नेचर ने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड किए हैं. नाउ व्हाट आर एडेप्टेशंस, लुक एट द फीट ऑफ टू टाइप्स ऑफ बर्ड्स बिलो. ये देखिए, ये पिक्चर नज़र आ रही है आपको. ये आपको दो बर्ड्स के फीट की पिक्चर दिखाई गई है. ठीक है, आपने बताना है विच पेयर ऑफ फीट बिलोंग्स टू अ डक, विच पेयर ऑफ फीट बिलोंग्स टू एन ईगल. हाउ डू यू नो? अब आपने ये बताना है कि ये किस किस बर्ड के फीट हैं. ठीक है, किसके क्लॉज हैं. जैसे ये आप इजीली बता सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं दैट दीज फीट बिलोंग्स टू अ डक. ऐसा ही है ना, आप इजीली बता सकते हैं. एंड दिस फीट बिलोंग्स टू एन ईगल. ओके, दिस पेयर ऑफ फीट बिलोंग्स टू डक एंड दिस फीट बिलोंग टू एन ईगल. अब आपको कैसे पता चला? ठीक है, या इनकी क्या स्पेसिफिसिटी है? बोथ आर बर्ड्स बट दे हैव डिफरेंट फीट. तो डिफरेंट फीट क्यों हैं? इनके फीट का स्ट्रक्चर अगर ऐसे है और डक के फीट का स्ट्रक्चर ऐसे है, सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? लेट्स डिस्कस. डक्स लिव नियर और इन द वाटर. As you know students, ducks कहाँ पर रहती हैं? वो पानी के करीब या पानी के अंदर रहती हैं. So they have such type of feet which are known as webbed feet. ठीक है, अब ये जो webbed feet होते हैं ये कैसे इनकी help करते हैं? Having webbed feet enables duck to paddle in the water and move around to look for food. अपने इन feet की मदद से, webbed feet की मदद से जो duck होती है वो easily पानी में swim कर सकती है. These feet act like paddles. ठीक है, ये paddles की तरह work करते हैं, और इन पैडल्स को मूव करते हुए डक जो होती है वो पैडलिंग मूवमेंट के थ्रू वाटर में मूव कर सकती है. अब मूव भी तो करना है लिविंग थिंग्स ने. ठीक है, किस लिए? फूड की तलाश में मूव करना है या अपने आप को एनिमीज से बचाने के लिए मूव करना है? सो हैविंग वेब्ड फीट इनेबल्स डक टू पैडल इन द वाटर एंड मूव अराउंड टू लुक फॉर फूड, ताकि वो ईजिली पानी में स्विम करके अपने लिए फूड तलाश कर सके. दिस हेल्प्स द डक टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट. इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो वेब्ड फीट हैं ये डक को उसके हैबिटेट में सर्वाइव करने के काबिल बनाते हैं. ठीक है, ताकि वो जिस हैबिटेट में रह रही है उसको वहाँ पर वो फूड भी ऑब्टेन कर सके और अपने आप को दुश्मनों से, अपने एनिमीज से बचा भी सके. इसी तरह से जो ईगल्स होते हैं दे डू नॉट नीड वेब फीट एज दे डू नॉट मूव अराउंड इन वाटर. ईगल जो होते हैं वो पानी में नहीं रहती, आपको पता है. ईगल डज नॉट लिव इन वाटर, जबकि वो क्या करती है, वो हाई माउंटेन्स पर फ्लाई करती है. सो एज इट डज नॉट मूव अराउंड इन वाटर, सो इट डज नॉट नीड वेब्ड फीट. ठीक है, ईगल्स जो होती हैं इनको वेब्ड फीट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पानी में मूव नहीं करती. बल्कि उसकी बजाय क्या होता है, इंस्टेड दे हैव शार्प क्लॉज ऑन देयर फीट टू कैच प्रे. ये देखिए, दे हैव शार्प क्लॉज. अब ये शार्प क्लॉज क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ दिस शार्प क्लॉज ईगल्स आर इनेबल टू कैच देयर प्रे. ठीक है, उनके फीट के ऊपर, उनके पाँव के ऊपर जो पंजे होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं. इन शार्प क्लॉज की मदद से ईगल्स अपने प्रे को आसानी से, यानी कि छोटे बर्ड्स को या जो भी इनकी खुराक होती है उनको आसानी से पकड़ सकती है.
हैविंग शॉर्ट क्लॉज हेल्प ईगल टू ऑब्टेन फूड एंड एनहेंस देयर सर्वाइवल. ठीक है, सो ये जो शॉर्ट क्लॉज हैं ये ईगल को हेल्प करते हैं फूड ऑब्टेन करने में और अपने उसके सर्वाइवल में हेल्प आउट करते हैं. सो इन दिस वे वी कैन से दैट डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट एडेप्टेशंस विच हेल्प देम टू विच एनेबल देम टू सर्वाइव इन देयर एनवायरमेंट. ठीक है, लिविंग थिंग्स हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स टू एनेबल देम टू सर्वाइव द लिविंग कंडीशंस इन देयर हैबिटेट. ये वही बात जो मैंने आपको बताई कि लिविंग थिंग्स के हैबिटेट के अंदर जो जो लिविंग कंडीशंस हैं उनमें सर्वाइव करने के लिए लिविंग थिंग्स के अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं एडेप्टेशंस. दीज एडेप्टेशंस एनहेंस देयर सर्वाइवल. वी से दैट दे आर सूटेड टू देयर एनवायरमेंट. ये अडेप्टेशन उनके सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाती हैं और हम कह सकते हैं कि दीज आर सूटेड टू देयर एनवायरमेंट, वो उनके माहौल के मुताबिक बिल्कुल सूटेबल हैं. फॉर एग्जाम्पल द वेब्ड फीट ऑफ डक्स एंड शार्प क्लॉज ऑफ ईगल्स आर अडेप्टेशन विच हेल्प द बर्ड्स टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स. अब कहने को डक और ईगल दोनों क्या हैं, बोथ आर बर्ड्स, लेकिन दोनों का हैबिटेट डिफरेंट है, दोनों की लिविंग कंडीशंस डिफरेंट है. सो अपनी अपनी लिविंग कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए दे हैव स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स. डक्स हैव वेब फीट टू मूव इन द वाटर एंड ईगल्स हैव शार्प क्लॉज टू कैच देयर प्रे. दीज अडेप्टेशंस आर इनहेरिटेड, दैट इज दे आर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ये जो अडेप्टेशंस होती हैं इनहेरिटेड होती हैं, यानी कि ये पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती हैं. फिर नेक्स्ट पेजेस पे कुछ एग्जांपल्स गिवन है डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स के अडेप्टेशंस, वो हम वन बाय वन देखेंगे. कम टूवर्ड्स नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 80, अडेप्टेशंस टू लो टेम्परेचर. अब कुछ एनिमल्स ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है, लाइक पोलर रीजन्स, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है. और वहाँ पे कौन से एनिमल्स रहते हैं, पोलर बियर इज़ अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ पोलर रीजन्स. Polar bears live in very cold habitat in the Arctic where there is ice the whole year around. How do they survive such freezing conditions? अब polar bears एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर सारा साल बर्फ़ पड़ती है. ठीक है, सो ऐसी फ्रीजिंग कंडीशन में कोई लिविंग थिंग कैसे सर्वाइव कर सकती है? अगर आप इसकी फिजिकल फीचर्स को या कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो आपको पता चलता है, फर्स्ट ऑफ ऑल polar bears have small ears. द स्मॉल ईयर्स हैव स्मॉल सर्फेस एरिया, दिस हेल्प टू रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट. ठीक है, हमारी बॉडी में से कॉन्टीन्यूसली हीट जो होती है वो लॉस होती रहती है, एक्सचेंज होती रहती है विद एनवायरमेंट. लेकिन जो पोलर बियर्स होते हैं इनके कान बहुत छोटे होते हैं. छोटे कानों का ये इन्हें फ़ायदा होता है कि इससे इनका सर्फेस एरिया छोटा होता है और उससे जितना ज़्यादा सर्फेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी. छोटे कान हैं, सर्फेस एरिया कम है, कम हीट इनकी बॉडी से बाहर निकलती है. ओके, देन द ब्लैक स्किन अंडर द फर इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट. ये जो फर आपको नज़र आ रही है, फर के नीचे जो स्किन होती है पोलर बियर्स की, दैट इज़ ब्लैक. एंड यू नो दैट ब्लैक इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट. ब्लैक कलर जो होता है वो हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है. सो उससे क्या होता है कि हीट इनकी बॉडी के अंदर रहती है और इन्हें फ्रीजिंग टेम्परेचर से बचाती है. फिर इनकी बॉडी के ऊपर थिक फर होती है विच एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट. द थिक फर एंड द एयर ट्रैप बिटवीन द फर रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट एज बोथ फर एंड एयर आर गुड हीट इंसुलेटर्स. ठीक है, अब ये जो थिक फर होती है और इसके दरमियान में जो एयर ट्रैप हुई होती है वो भी बॉडी हीट के लॉस को कम करते हैं, क्योंकि फर और हवा दोनों गुड हीट इंसुलेटर्स हैं. हीट इंसुलेटर्स का मतलब वो होता है वो चीज़ें जो हीट को बाहर नहीं निकलने देती. ठीक है, हवा भी बहुत अच्छी हीट इंसुलेटर है. अगर एयर की लेयर मौजूद है कहीं पर तो उस जगह से हीट बाहर नहीं निकल सकती. सो दिस थिक फर enables them to survive in a very cold environment. Then the thick layer of fat under the skin is a good insulator of heat. फिर इनकी स्किन के नीचे फैट की बहुत थिक लेयर होती है which is also a good insulator of heat, ताकि बॉडी की हीट इनकी बॉडी के अंदर ही रहे और टेम्परेचर इनका मेंटेन रहे अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. देन दे हैव वेरी शॉर्ट टेल, इट ऑल्सो हैज़ अ स्मॉल सर्फेस एरिया एंड दिस हेल्प्स टू रिड्यूस हीट लॉस. सो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पोलर बियर में हैं जो आपको टाइगर में या लाइन में या हॉर्स में नज़र नहीं आएंगे. सो दीज एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव इन पोलर रीजन्स, बट पोलर बियर्स कैन डू सो बिकॉज पोलर बियर्स हैव दो स्पेसिफिक एडेप्टेशंस, दो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स विच एनेबल्स देम टू सर्वाइव इन वेरी कोल्ड एनवायरमेंट. द थिक फर एंड फैट, ब्लैक स्किन, स्मॉल ईयर्स एंड शॉर्ट टेल आर एडेप्टेशंस विच हेल्प अ पोलर बियर टू सर्वाइव द एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर इन इट्स हैबिटेट. सो वी कैन कंक्लूड दैट थिक फर एंड फैट, ब्लैक स्किन, स्मॉल ईयर्स एंड शॉर्ट टेल, दीज आर एडेप्टेशंस जो कि एक पोलर बियर को हेल्प करती हैं कि वो अपने एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में, जो उसकी हैबिटेट में लो टेम्परेचर है, एक्सट्रीमली लो है, वो उसमें सर्वाइव कर सके. सो दैट वॉज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.